और उनके खिताब से पहले मैं दावा दूंगा मलिक खालिद फरूख कोटक पीपी 104 उम्मीदवार बना एम पी कि वो आए और अपने दिल का इजहार करें। तेरे बच्चे मियां शुभाशी साहब और जनाब राना बशीर इकबाल साहब सलाह बरकी साहब और मेरे स्टेज पे बैठे हुए सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं दो चार आपके ऑनर में लफ्ज कहना चाहता हूँ आपकी इजाजत से, तो उसके बाद क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है मुझे पता है आपने काफी जगहों पे जाना है, तो मियां साहब आप इधर पहले भी आए हैं तो जब भी आप आते हैं तो ये मेरे गांव वाले और ये मेरे ये कौंसल के जो लोग हैं ना ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इस तरह ही 4 बजे से आपका वेट कर रहे हैं। तो मियां साहब आप दीन से मोहब्बत करते हैं, आपने इतनी मोहब्बत की कि मैंने जो काम कहे वो पांडोगी के युवा में जो भी स्टेडियम बन गया है सड़कों का जाल खिंच गया है, तो मियां साहब अभी कुछ थोड़े बहुत काम मेरे दोस्त हैं जो नाराज हैं कि उनके काम नहीं हुए, तो मियां साहब ये पीटीआई का दौर आया तो बिजली का बड़ा मसला था, तो हमारे जो 4 साल तो गुजर गया है कि लोग मुझे कहते थे कि ये बिजली वाली जो बहुत शॉर्ट है ये यकीन करें मियां साहब इधर एक ट्रांसफार्मर पर जमते हैं तो वो दो दो दिन उसको पूछते ही नहीं, तो जब आप वजीर आजम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहतरम जनाब मलिक फारूक साहब मोहतरम जनाब राणा मुखर्जी साहब सलाह बरकी साहब और पांडुगी के मेरे बुजुर्गों भाइयों नौजवान साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो जो सड़कें पक्या सड़का के सौके पहले उस सड़क पर मैं जब मैं आया तो मुझे मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि ये सड़क जो आज से 5-6 साल पहले बनी वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सफर के लिए बेहतरीन सड़क है। ये उसकी वजह क्या है कि ईमानदारी से इन सड़कों के ऊपर काम किया गया और ये सड़कें टूटी नहीं, लेकिन कसूर रोड जो मैंने आज देखा जो 2008 में नवाज शरीफ के जमाने में बनी, मुझे बड़ी तकलीफ है कि पिछले 4 सालों में पिछली हुकूमत में उसके ऊपर कोई काम ना हुआ और पूरी कसूर की सड़क मैंने देखा कि वो टूट फूट गई है। मेरे बुजुर्गों भाइयों और नौजवान साथियों आज मैं आपके पास आया हूँ आपको ये बताने कि अल्लाह ताला के फजल करम से मियां नवाज शरीफ और 21 अक्टूबर को वो अपने वतन आपके पास दोबारा वापस आ रहे हैं इंशाअल्लाह और मिनारे पाकिस्तान में आप उनका इस्तकबाल करेंगे। मेरे बुजुर्गो और भाइयों और नौजवान साथियों नवाज शरीफ से इकदार 2018 में नहीं छीना गया, आपका तरक्की और खुशहाली का सफर उससे आपको महरूम किया गया एक साजिश के तहत और नवाज शरीफ को अकामा से पनामा से अकामा में बेबुनियाद छूटे केस में साजिश के जरिए निकाल कर पाकिस्तान जो तरक्की के रास्ते पर काम करता वो सफर खत्म कर दिया गया। नवाज शरीफ का क्या ये जुर्म था कि उसने ये मेट्रो बस बनाई, नवाज शरीफ का ये जुर्म था कि उसने ऑरेंज लाइन बनाई,
नवाज शरीफ का क्या ये जुर्म था कि 20-20 घंटे की जो लोड शेडिंग हुआ करती थी उसका खात्मा हुआ। नवाज शरीफ का क्या ये जुर्म था कि पांडव की हो या पाकिस्तान के पंजाब के दूसरे